सिंगरौली जिले के बैढ़न कोतवाली थाना क्षेत्र के शासन पुलिस चौकी अंतर्गत हररहवा गांव में बीते दो दिनों पूर्व एक नवविवाहिता मासूम बच्चे को गोद में लेकर कुएं में कूद गई थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद नवविवाहिता मृतका दुर्गामती के परिजनों ने पति व सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित मारपीट करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं बताया कि मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने अपनी दूधमुही बच्ची पिंसी के साथ कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दिनों एक महिला अपने दूधमुही बच्ची के साथ कुएं में कूद गई थी, इसमें क्या कार्रवाई हुई है? परसों दिनांक 28/11/2019 को दुर्गामती निवासी ग्राम हररहवा द्वारा अपनी 11 माह की बच्ची पिंसी के साथ में कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली गई थी और उक्त के संबंध में थाना बैढ़न में मर्ग पंजीबद्ध कर उसकी जांच की गई और जांच के आधार पर यह पाया गया कि मृतिका को उसका पति संतराम, उसका सास ससुर राम जी और देवर सिया राम तथा उसकी पत्नी बिट्टी, ये चार लोग मिलकर के दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे और इन्हीं की प्रताड़ना के परिणाम स्वरूप मृतिका द्वारा आत्महत्या की गई है। तो जांच के आधार पर धारा 304(b)(3)(4) दहेज अधिनियम के तहत थाना बैढ़न में पंजीबद्ध किया गया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज दिनांक को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।